नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सोनम के साथ आप सभी बच्चों का हिमथान एजुकेशन फिजिकल लिटरेसी स्पोर्ट्स इनिशिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए अपर बॉडी वर्कआउट लेकर के आई। बच्चों वार्म अप, शरीर को गर्म करने के लिए हम वार्म अप करते हैं। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस खिंचाव से बचने के लिए, जिससे कि हम इंजर्ड ना हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। जो आपका हील टैप जैक्स कैसे करना है, आपको आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे, देन अब आपको वाइस वर्सा हील को टच करते हुए आना है इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ शोल्डर्स, हिप्स एंड थाइस की आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये एक्सरसाइज आपको 60 सेकंड तक। हम दो तरीके से करेंगे, एक स्किपिंग करेंगे हम रोप के साथ, और दूसरे स्किपिंग करेंगे हम स्किपिंग इनविजिबल यानी कि विदाउट रोप के साथ। तो अब मैं पहले आपको बताऊंगी कि हम रोप के साथ स्किपिंग कैसे करेंगे। जिन बच्चों के पास रस्सी है, रोप है, तो वो उससे स्किपिंग कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से करेंगे आपको, ये हो गई हमारी रोप के साथ स्किपिंग। अब मैं आपको विदाउट रोप के साथ, आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे, धन्यवाद। इस एक्सरसाइज को आपको 60 सेकंड तक करना है, और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, साथ ही आपकी होल बॉडी वार्म होगी। जो आपका टेम्पो पुशअप्स करने के लिए आपको पहले प्लैंक पोजीशन लेनी है इस तरीके से, ठीक है। हेड टू टो, टो टू हेड आपके बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एंड देन शोल्डर शुड बी ओवर पाम इस तरीके से, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली डाउन। कोशिश करनी है कि आपकी चिन जमीन पर टच होनी चाहिए और एल्बो आपकी बैंड होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ट्राइसेप्स, आपकी बाइसेप्स और आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी, और आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितना किया है, टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा। देन अब आपको शोल्डर टैप करने हैं, काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्ट्रेंथिंग ऑफ फोरआर्म्स एंड शोल्डर्स की मसल्स की आपकी स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होगी, और ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार की है, नेक्स्ट राउंड में आपको टारगेट सेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा बार। बेंट ओवर एक्सरसाइज करने के लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए, आपको दो पानी की बोतल चाहिए जो कि भरी भी होनी चाहिए, हाफ लीटर की आप पानी की बोतल ले सकते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं पोजीशन बताती हूँ कि कैसे रहना है। आपको हल्के से आपके लेग्स ओपन रहेंगे, ठीक है, एंड देन नी आपकी हल्की सी बेंड होगी और हिप्स आपके अप रहेंगे इस तरीके से, एंड देन आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और आपको ज्यादा ऊपर नहीं उठना है, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नीचे नहीं झुकना है, ये रहेगी आपकी पोजीशन। अब आपको क्या करना है, पानी की बॉटल्स लेनी है इस तरीके से, एंड देन अब आपको अपने शोल्डर्स को ये पुश करना है, शोल्डर्स को अंदर की तरफ आप शोल्डर को पुशते रहेंगे, ये ठीक है। मैं आपको दोनों हाथों को दिखाती हूँ, शोल्डर को आपको अंदर की तरफ पुश करना है, स्लोली स्लोली डाउन पुश, डाउन पुश, शोल्डर को आपको अंदर की तरफ पुश करना है। अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा और आपकी स्पाइन में स्ट्रेच आपको फील होगा इस तरीके से, ये और कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में आप जितनी बार ये एक्टिविटी कर रहे हो, नेक्स्ट राउंड में आपको टारगेट सेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा। जो आपका ट्राइसेप डिप क्रैप करने के लिए आपको थोड़ी सी ऊंची वॉल लेनी है, जैसे मैंने ये ली है, आप सीढ़ी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी आप वॉल ले सकते हैं इस तरीके से, ऊंची होनी चाहिए। अब आपको पोजीशन क्या करनी है, आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे, नी आपकी हल्की सी बेंड रहेगी इस तरीके से, देन आपको क्या करना है, डाउन देन अप देन डाउन, ये देखिए मेरी पूरी बेंड हो रही है, एल्बो पूरी बेंड होनी चाहिए, देन डाउन देन अप
then down, then up, then down, then up, then down, then up. इस एक्सरसाइज को करने से आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग बढ़ेगी, राइट? और आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बारी एक्सरसाइज करी है, नेक्स्ट राउंड के लिए आपको टारगेट सेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैच, टॉस एंड कैच करने के लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए? आपको एक बॉल चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप बॉल बना सकते हैं। जिनके पास बॉल नहीं है तो मैंने ये वेस्ट सॉक से बॉल बनाई है, राइट? अब आपको क्या करना है, टॉस करना है यानी कि बॉल को ऊपर फेंकना है, और कैच करते समय आपको क्या करना है कि अपने बॉडी पार्ट में से कोई भी दो पार्ट को टच करना है। जैसे आपने नी को टच कर लिया या हिप्स को टच कर लिया, और देन आपको कैच करना है, और मेक श्योर कि कैच आपका नीचे धरती पर नहीं गिरना चाहिए। तो ये हिप्स टो कैच, hips knee catch, ears mouth catch, ears neck catch, catch. It means कि आपको ये अपने body part को touch करते हुए आपको catch करना है, और assurity रखनी है कि catch आपका जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इस गेम को आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ प्ले कर सकते हैं, अपने siblings यानी कि अपने भाई बहनों के साथ भी प्ले कर सकते हैं, और मेरे साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब है बच्चों कूल डाउन। कूल डाउन हमारी बॉडी की मसल्स और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कूल डाउन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अबे बच्चों आपके ट्राइसेप स्ट्रेच कैसे करना है? आपको आपके हाथ इन्हीं एल्बो ऐसे करके बैंड होगी, देन आपके यहाँ पे रहेगी, देन आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। स्ट्रेच करते समय आपको ट्राइसेप पे स्ट्रेचिंग फील होगी, आपके चेस्ट पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग फील होगी, और आपकी बैक पे आपको स्ट्रेचिंग फील होगी इस तरीके से। अब मैं आपको पीछे करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये हाथ है एंड देन आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। 30 सेकंड तक आपको स्ट्रेच करना है। पहले इस तरीके से लेट जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको लेटना है बिल्कुल। एंड देन अब आपको क्या करना है, राइट हैंड से राइट लेग पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है? देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग पकड़ना है आपको इस तरीके से, एंड देन आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करने से आपको शोल्डर पे स्ट्रेच फील होगा, आपकी थाई पे आपको स्ट्रेच फील होगा, और आपके कोर पे आपको स्ट्रेच फील होगा, और स्ट्रेंथिंग करनी है आपको। 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। आज के लिए इतना ही। अपने आप को चुनौतीपूर्ण बनाए रखें, इन एक्सरसाइज को जितनी बार संभव हो दोहराएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।